मैक से और ये मेरा शॉर्ट है, पैंट मुझे पड़ी थी 599 रुपीज़। वर्कआउट भी कर सकती हूँ, जिम भी पहन के जा सकती हूँ। चिढ़ा रहे हैं और मेरे साथ बदतमीजियां कर रहे हैं। तो फाइनली मैंने अपनी पूरी वार्डरोब चेंज कर दिया। Hey guys, welcome back to another vlog, Ayra Singh Rawat, और आज हम करने वाले हैं Max versus Pantaloon haul. So yes, मेरा बहुत टाइम से मन था कि मुझे कुछ नाइट सूट टाइप कपड़े लेने थे कि मैं घर में भी पहन सकूं और मैं बाहर वॉक करने जाऊं तो वो भी। तो फाइनली मैंने अपनी पूरी वार्डरोब चेंज कर दिया। मैंने बहुत कूल कपड़े लिए और वो भी कुछ कपड़े मैंने बॉयज़ वाले सेक्शन से उठाए हैं। मैंने बहुत लूज टी शर्ट्स लिए हैं, शॉर्ट्स लिए हैं एंड एक मैंने ये पेयर खरीदा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक डेनिम और ये क्रॉप टॉप लिया है। ये क्रॉप टॉप है 399 का एंड ये डेनिम है 1499 की। सो टोटल 1900 में मुझे बहुत सुंदर ये पेयर मिल गया। अभी चलते हैं और आगे पूरा व्लॉग देखना, मैं दिखाती हूँ मैंने कितने का क्या क्या कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिया है मैक्स और पैंटालून से। क्योंकि अब लोग नॉर्मली ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ज़्यादा, या फिर हम कोई भी वेबसाइट हो, H&M, ज़ारा, मोस्टली हम वो प्रेफर करते हैं। बट मैक्स और पैंटालून बहुत ही अच्छा फैब्रिक दे रहा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत रिजनेबल प्राइस में, तो आप जाके अच्छी अच्छी शॉपिंग कर सकते हो। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। सो ये है मेरा सेकंड आउटफिट, ये मैंने लिया था मैक्स से और ये है 200 रुपीज़ की टी शर्ट जो बहुत ज़्यादा कूल है। एक्चुअली ये 259 कुछ का था, अगर हम दो टी शर्ट बाय करते तो हमें 199 में मिला। सो ये बहुत ही कूल टी शर्ट है, बहुत लूज है, मैं इसे वर्कआउट भी कर सकती हूँ, जिम भी पहन के जा सकती हूँ। एंड मैंने पैंटालून से ये शॉर्ट्स लिया था जो आया था 499 रुपीज़ का, इस पर कोई ऑफर नहीं था, लेकिन ये बहुत कूल शॉर्ट है। मतलब मैं इसको अगर नीचे मैं टाइट्स पहनूँ तो मैं इसे वर्कआउट भी कर सकती हूँ एंड इन दोनों का पेयर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं घर में भी पहन सकती हूँ, वॉक करने भी जा सकती हूँ एंड आई गेस, मतलब मैं पर्सनली बोल रही हूँ कि मैं इनसे वर्कआउट भी कर सकती हूँ। तो मुझे टोटल आउटफिट पड़ा है 700 रुपीज़ का एंड यस, इसमें दोनों तरफ पॉकेट्स भी है तो आप अपना फोन वगैरह भी कैरी कर सकते हो। तो दिस इज माई थर्ड आउटफिट और ये है मैक्स से और ये है पैंटालून से। ये पड़ा था मुझे 499 एंड ये पड़ा मुझे 199, अगेन 700 में बहुत अच्छी डील मिल गई मुझे। मैं घर पे भी पहन सकती हूँ, बाहर भी, और बहुत ही ज़्यादा कम्फी है। और जो आप ये टॉप देख रहे हो जो मैंने इससे पहले शॉर्ट्स पहना था उसके साथ भी मैं इसे पेयर अप कर सकती हूँ एंड बहुत कूल कपड़े हैं ये। दिस इज माई फोर्थ आउटफिट और ये भी मेरी टी शर्ट है मैक्स से और ये मेरा शॉर्ट है पैंटालून से। तो मैंने दोनों का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन किया है, पैंटालून एंड मैक्स, एंड अगेन ये सेम प्राइस में नहीं है, ये है उससे 100 रुपीज़ ज़्यादा का, ये है 599 का एंड ये है 199 का। तो ये मुझे एक तरह से थोड़ा महंगा पड़ा है क्योंकि यहाँ मेरे 100 रुपये एक्स्ट्रा लगे हैं, बट इसकी क्वालिटी शॉर्ट्स की उन लोगों से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसमें 100 रुपये ज़्यादा गए हैं मेरे। तो ये बहुत ही कूल है और ये बहुत प्यारा शॉर्ट है एंड ये टी शर्ट भी मुझे बहुत कूल लगी। ये लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं और मेरे साथ बदतमीजियां कर रहे हैं सबके सब। सो दिस इज माई लास्ट आउटफिट और मैं काउंटिंग भूल गई हूँ, ओ माई गॉड, काउंटिंग भूल गई हूँ, सिक्स्थ है, सिक्स्थ। तो ये मेरा सिक्स्थ आउटफिट है, बहुत क्यूट सा मैंने नाइट सूट लिया है ये, मतलब ये प्रॉपर नाइट सूट मैं कह सकती हूँ, नाइट ड्रेस है ये, बहुत प्यारी सी ड्रेस है और प्रॉपर कॉटन में है। ओ सॉरी मैं बताना भूल गई गाइस, मेरे सारे कपड़े कॉटन में थे, बहुत ही प्यारी कॉटन के कपड़े एक्चुअली अच्छे होते हैं, आप नॉर्मली रात में पहन सकते हो और कहीं मतलब नॉर्मल वियर करने के भी अच्छे हैं। तो ये मुझे पड़ी थी 599 रुपीज़ की, बहुत ही ज़्यादा कम्फी है और इसका मैंने लिया था एल साइज़। और बाकी जितने मैंने मेन सेक्शन से कपड़े लिए हैं अपने लिए वो सब टी शर्ट मैंने एस साइज़ के लिए हैं और जो मैंने शॉर्ट्स और लोअर लिए वो मैंने एम साइज़ के लिए हैं। सो यस, और ये है मेरा एल साइज़ का। सो फाइनली मेरा ये हॉल होता है मैक्स वर्सेस पैंटालून खत्म। अगर आपको ये कपड़े या मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके बताना कि आरू और मेहनत कर अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आ। सो यस गाइज, अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एंड यस, मेरा 21 डेज चैलेंज फिर से शुरू हो रहा है तो उसको देखते रहना। ओके बाय।